ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट, आज हमने मेंबर पार्लियामेंट श्री शमशेर सिंह मनाज जी के घर का घेराव किया है। हम बीजेपी के जो नेता हैं उनके घरों का घेराव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो वादे इन्होंने 2014 में डेली वेजर के साथ किए थे उनमें से एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए ये बिल्कुल खामोश हैं। इसलिए इनको जगाने के लिए हमने अब इनके घरों का घेराव शुरू किया है। हम इनको सीधी क्लियर बात बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने हमारी आवाज़ केंद्र तक नहीं पहुंचाई और डेली वेजर की रेगुलाइजेशन पॉलिसी अगर आप नहीं लाते हो तो आने वाले दिनों में आप डीडीसी के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें हम बीजेपी का टोटली बायकॉट करेंगे, क्योंकि बीजेपी के समय से पहले 2014 से पहले शोषण होता था डेली वेजर का, कांग्रेस और एनसी की तरफ से डेली वेजरों को जख्म दिए गए थे, लेकिन भाजपा पर जिससे हमें ये बहुत बड़ी उम्मीद थी कि ये हमारे मसले हल करेंगे, लेकिन इन लोगों ने उन जख्मों के ऊपर मरहम लगाने के बजाय नमक लगाने का काम किया है। अब इनको हम आराम से बैठने नहीं देंगे क्योंकि इन लोगों को हमने जिताया, हम लोगों ने इनको वोट दिया, इनको किसी को असेंबली में किसी को पार्लियामेंट में पहुँचाया, लेकिन ये हमें भूल गए। अब इनको हम ऐसे बैठने नहीं देंगे जब तक हमारी रेगुलेशन पॉलिसी सामने नहीं लाएंगे। इनको हम इसी तरह से इनका घेराव भी करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो नेशनल हाईवे भी बंद होंगे, बसें भी रोकी जाएंगी, ट्रेनें भी रोकी जाएंगी। हम ऐसा करना नहीं चाहते। आज भी हम इनके माध्यम से अपील करते हैं सरकार से कि हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी लाएं, नहीं तो 61,000 डेली वेजर जम्मू की सड़कों पर उतरेगा और जो भी हालात जम्मू के खराब होंगे उसके लिए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगा। जल्दी से जल्दी हमारा मुद्दा हल किया जाए। ये हमारा घेराव जनाब तब तक नहीं होगा जब तक हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं मिलेगी। फर्स्ट एंड लास्ट हमारी यही है डिमांड, रेगुलाइजेशन पॉलिसी वही हमें चाहिए और कुछ नहीं, वरना इस गवर्नमेंट को उसका जितना भी नुकसान होगा वो गवर्नमेंट खुद ही भुगतेगी, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। जो जिम्मेवारी है सब एडमिनिस्ट्रेशन की। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में मेंबर ऑफ जिसको मेंबर में मनियाल साहब थे, सेठी साहब जुदवीर सेठी थे, लेकिन आज तब दिया जा रहा है, लेकिन आज तक उस 13 दिन के मेम्बरों में आज तक कोई जवाब नहीं आया सरकार की तरफ से, ना ही इन लोगों ने हमारी आवाज़ पहुंचाई है दिल्ली तक। ये लोग हमें बार बार बोलते रहे कि हम आपकी बात जो है दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं, आज 13 दिन के बाद एमपी साहब का गिरफ्तार किया गया जो शमशेर सिंह जी का जसलिया किया गया, आने वाले जो दिन में आ रहे हैं अगर ऐसा नहीं हुआ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का गिरफ्तार के घर के बाहर गिरफ्तार होगा और दिन और रात उधर ही चलेगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, हमें लाइट नहीं ले रहे, आज तक नहीं जाए लोग जागे।